Welcome back to the Lord Denning series of By the Law. This is lecture 4 of this series. Up till now, we have completed chapter 1, In the Face of Court, and chapter 2, The Victimization of Witnesses. Chapter 1 se sirf ek case baki hai, that is the laughing gas case. Uske upar bhi jaldi video bana ke, we will upload it on our channel and you will get it. Today, we will be dealing with chapter 3. But लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाय द लॉ के लेक्चर्स और नोट्स हेल्पफुल और अच्छे लगते हैं तो तुरंत इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले रहे हैं एंड हमें आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा, राइट? एनीवेज, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3, दैट इज़ रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस. इस चैप्टर में लॉर्ड डेनिंग ने एक इम्पॉर्टेंट इशू को रेज किया है. क्या है ये इशू? ध्यान से सुनो कि अगर किसी विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है और वो विटनेस रिफ्यूज़ या मना करता है कि वो इन सवालों का जवाब नहीं देगा, तो क्या विटनेस का ये रिफ्यूज़ल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? नाउ लॉर्ड डेनिंग के इस सवाल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है जो आप स्टूडेंट्स में से बहुत कम लोगों ने नोट किया होगा. वो पॉइंट ये है कि विटनेस ने पब्लिक इंटरेस्ट वाले सवाल का आंसर देने से मना किया है. ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है? अब ये कंटेम्प्ट है या नहीं, हमें लॉर्ड डेनिंग के कोट किए गए दो केसेस को पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा, ठीक है? केस नंबर 1 है अटॉर्नी जनरल वर्सेस मुलहोलैंड. केस नंबर 2 है अटॉर्नी जनरल वर्सेस फॉस्टर. ये दोनों ही केसेस को एक साथ ट्राई किया गया था. अब केस क्या है? मुलहोलैंड और फॉस्टर दो जर्नलिस्ट थे और न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की जा रही थी कि एडमिरालिटी का मीनिंग होता है रॉयल नेवी, नेवी याद रखो आप लोग, एडमिरालिटी में एक स्पाई है. और एक दूसरे न्यूज़पेपर में ये खबर दी गई कि जॉन वैसल एक स्पाई है और उसे दो हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स ने स्पॉन्सर किया है और नेवी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है. तो इस केस को सुनते वक्त जज रैडक्लिफ ने जर्नलिस्ट को पूछा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपका सोर्स कौन है? जर्नलिस्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. अगर मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया कि मेरा सोर्स कौन है तो वो नेक्स्ट टाइम मेरी मदद नहीं करेगा. द जज पनिश्ड हिम फॉर कंटेम्प्ट एंड जज गॉर्मन सेंटेंस्ड हिम टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट. तो मिस्टर मुलहोलैंड ने अपील की कि क्या जर्नलिस्ट को कोई प्रिविलेज नहीं होता है कि अपना सोर्स जो है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो किसी को ना बताए. इस अपील में हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को ही सही बताया, यानी अल्टीमेटली मिस्टर मुलहोलैंड को 6 months इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली. और जो सेकेंड जर्नलिस्ट थे मिस्टर फॉस्टर, उनको 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई. So we get the answer that refusal to answer a question of public interest by a witness is a contempt in itself. You can quote the two cases and write this as the conclusion of your answer. So we have completed the first part, that is two journalists are sent to prison. Jo second part hai, the new statesman is angry. Isme Lord Denning ne sirf ek डेली मिरर करके न्यूज़पेपर था उसका आर्टिकल कोट किया है. ये जो दो जजमेंट्स हुए जिसमें कोर्ट ने रूल किया कि जर्नलिस्ट को ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं होता है कि वो अपना सोर्स डिस्क्लोज ना करें, तो इस वजह से जो बाकी जर्नलिस्ट थे वो गुस्सा हो गए एंड दे डिसाइडेड कि अब जजेस के ऊपर जो है दे विल
पब्लिश वेरियस आर्टिकल्स उनके अगेंस्ट, और वो जो है उनके स्कैंडल्स भी न्यूज़पेपर में ओपन अप करेंगे. तो उसी के ऊपर एक सटायरिकल यानी सरकास्टिकल सरकास्टिक आर्टिकल लिखा था डेली मिरर ने, वही लॉर्ड डेनिंग ने कोट किया है. तो आप लोग इसको एक बार बस रीड कर लेना टेक्स्ट बुक में से. टेक्स्ट बुक की ई कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. एंड इसके ऊपर सेकेंड पार्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है. तो जो पढ़ना है वो फर्स्ट पार्ट है, बट रीड आउट करने के लिए फॉर योर नॉलेज आप सेकेंड पार्ट पढ़ सकते हो. लिंक फॉर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सून. इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक द थम्स अप, कमेंट बिलो एंड गिव अस योर फीडबैक. Share it with your friends and subscribe to By the Law, because we fuel your wings.